बहुत ही दुखद घटना से इस आज की खबर स्टार्ट कर रहे हैं। आज गंगा नदी में डूब जाने से महमदीपुर के एक युवक की मृत्यु हो गई है, जिनका लाश अभी तक मिला नहीं है। सुल्तानपुर युवा एकता दल आज पीड़ित के घर जा जाकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया और संगठन की तरफ से तत्काल कुछ आर्थिक मदद भी किया गया। इस मौके पर वहाँ के निवासी सिल्लू सिंह, केसरी नंदन सिंह, राजू सिंह, झम्मन सिंह, जौनू सिंह, बलवीर सिंह और इनके तमाम साथी उस मौके पर उपलब्ध रहे और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द उन्हें और आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश करेंगे। यह सब सुनकर वहाँ के लोगों ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापन किया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीवी न्यूज। एबीवी न्यूज पर आप दर्शकों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर न्यूज आपके मोबाइल पर आपके क्षेत्र का मिल सके। अब देखते हैं एक नजर अभी की हेडलाइंस पर, उसके बाद जानेंगे खबर विस्तार से। नेशनल सिंगिंग कॉन्टेस्ट के टॉप थ्री में मोहद्दीनगर का हिमांशु। कभी सारे गामा पर सिंगिंग कॉन्टेस्ट में मंच साझा करने वाले मोहद्दीनगर का युवा हिमांशु कुमार ने एक बार फिर नेशनल लेवल पर आयोजित सिंगिंग कॉन्टेस्ट के टॉप थ्री में पहुंचकर बिहार का नाम रोशन किया है। लॉकडाउन की अवधि में फ्लूटिन म्यूजिक ऐप के द्वारा आयोजित फ्लूटिन होम स्टार कॉन्टेस्ट के तहत हिमांशु ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और अब ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने को तैयार है। वर्चुअल म्यूजिक टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेकर हिमांशु ने यह उपलब्धि पाई है। देश के कई लब्ध प्रतिष्ठित निर्णायक ने इसका चयन किया है। इस कॉन्टेस्ट के टॉप थ्री बिहार का हिमांशु, पश्चिम बंगाल का अनुष्का पात्रा तथा गोवा का ओंकार शिवंकर का चयन किया गया है। मोहद्दीनगर प्रखंड के रमैया ग्राम निवासी स्वर्गीय भागवत राय तथा शिक्षिका लल्ली देवी का पुत्र हिमांशु कुमार वर्तमान में दिल्ली में चर्चित संगीत शिक्षक हैं। हिमांशु ने बताया कि फ्लूटिन म्यूजिक ऐप न्यू स्टार की खोज के लिए वर्चुअल म्यूजिक टैलेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है तथा गायकों से वीडियो मांगे गए। लंबी चयन प्रक्रिया के बाद हिमांशु ने टॉप थ्री में अपनी जगह बना ली। हिमांशु की उपलब्धि पर क्षेत्र के लोगों में हर्ष है। क्षेत्र के लोगों की उम्मीद है कि इस कॉन्टेस्ट का ताज हिमांशु के सिर पर ही सजेगा। पटना से बड़ी खबर, मछली कारोबारी के कर्मी को रिवॉल्वर सटा 3 लाख रुपए लूटे। गमछा से चेहरा ढके बाइक सवार अपराधियों ने एक मछली कारोबारी के कर्मचारी को रिवॉल्वर सटाकर करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। घटना रविवार के दोपहर 3 बजे अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हार स्लम बस्ती के समीप घटी। दिघा में रहने वाले बाजार समिति के मछली थोक कारोबारी अशोक सहनी का कर्मचारी चंदन कुमार रविवार को हाजीपुर से रुपए लेकर लौट रहा था। पीड़ित ने बताया कि गांधी सेतु से उतरकर जैसे ही कुम्हार स्लम बस्ती के पास पहुंचा तभी बिना नंबर वाली बाइक पर सवार दो अपराधियों ने उसके बाइक को ओवरटेक करके रोका और रिवॉल्वर सटाकर उससे रुपए से भरा बैग और बाइक की चाबी छीन ली। इसके बाद लुटेरे रिवॉल्वर दिखाते हुए भाग निकले। चंदन ने बताया कि बैग में व्यापारियों से वसूला गया 2,98,300 रुपए थे। उसने बताया कि बाइक पर सवार दोनों आरोपी चेहरे को गमछा से ढके थे और दोनों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की थी। पटना में सूचना मिलते ही अगमकुआं थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार मौके पर पहुंचे और लुटेरे को भगाने की दिशा में छानबीन शुरू कर दी। देर शाम तक लुटेरों का सुराग नहीं मिल सका। मौके पर पहुंची सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि घटना स्थल के आसपास की सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। पुलिस टीम संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। कोरोना से संबंधित समाचार, बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों में 72% सिर्फ प्रवासी मजदूर है। राज्य में आ चुके 21 लाख प्रवासियों में से 72% कोरोना संक्रमित मरीज। बिहार में कोरोना संक्रमित में करीब 72% दूसरे राज्य से लौटे प्रवासी मजदूर हैं। ये सभी प्रवासी 2 मई के बाद बिहार लौटे हैं। राज्य में करीब 21 लाख प्रवासी बिहार लौट चुके हैं जबकि अब तक कुल 99,108 कोरोना सैंपल की जाँच हुई। इनमें से जो बाहर नहीं गए उनकी भी जांच शामिल है। जांच में 5,070 संक्रमित पाए गए और इनमें से 3,615 सिर्फ प्रवासी हैं। अगर सभी प्रवासियों की जांच हो तो यह संख्या काफी बढ़ सकती है। कुल प्रवासियों में 1.446% ही संक्रमित है। पूर्व सेंट्रल रेलवे के अनुसार 3 मई के बाद से अब तक 20 लाख यात्री
ट्रेन से बिहार आए हैं। करीब 1,00,000 प्रवासी पैदल या अन्य साधनों से बिहार पहुंच चुके हैं। इस प्रकार कुल बिहार लौटे प्रवासियों में से मात्र अब तक 1.46% ही कोरोना संक्रमित पाए गए। कुल कितने प्रवासी बिहार आए और इनमें से कितने की जांच हुई है, यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध नहीं कराया। 10 गुना जांच की गति तेज करनी होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो बिहार में जांच की रफ्तार बेहद कम है, इसके गति 10 गुना बढ़ानी हो। कम से कम 5% प्रवासियों की कोरोना जांच की जानी चाहिए ताकि उन्हें कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। सभी लक्षण वाले मरीजों की हो रही है जांच। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार शाह ने बताया कि बिहार में कोरोना के सभी लक्षण वाले मरीजों की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त रैंडम जांच भी की जा रही है। घर घर अभियान चलाकर सर्वेक्षण कराया जा रहा है और होम क्वारंटाइन में रहने वाले प्रवासी नियमों का पालन करें यह सुनिश्चित किया जा रहा है। 14 दिनों तक उनकी निगरानी की जा रही है। सृजन घोटाला से संबंधित केस भागलपुर। 2.5 साल बाद भी 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की जांच नहीं हो पाई। सृजन घोटाला उजागर हुए 2.5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की जांच शुरू नहीं हो सके। सीबीआई ने जांच के लिए अधिक अधिसूचना जारी करने को कहा, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि अभी तक जांच की अधिसूचना भी जारी नहीं की गई। अगस्त 2017 में सृजन घोटाला उजागर हुआ था। पहली प्राथमिकी जिला नजारत शाखा द्वारा दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से अब तक करीब 2 दर्जन मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। सृजन घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है। जिला कल्याण कार्यालय की 221 करोड़ रुपए से अधिक राशि की अवैध निकासी हुई थी। तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार द्वारा 6 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर पहली प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएम के निर्देश पर टीम द्वारा कल्याण कार्यालय की जांच कराई गई। जांच के दौरान ही 115 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एजी द्वारा ऑडिट कराने के बाद पता चला कि कल्याण कार्यालय की 221 करोड़ रुपए से अधिक राशि की अवैध निकासी हुई, लेकिन बचे 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने सीबीआई को पत्र भेजकर पूर्व में दर्ज प्राथमिकी में 100 करोड़ रुपए को संबंध करते हुए जांच करने का आग्रह किया था। सीबीआई ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर जांच कराने के लिए अधिसूचना जारी करवाने को कहा। सीबीआई के पत्र के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा कल्याण विभाग को अधिसूचना जारी करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हो सकी, जिसके चलते 100 करोड़ रुपए घोटाले की जांच नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की जांच होने पर अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जिला कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना की प्रति मांगी गई थी, अधिसूचना के प्रति विभाग को भेज दी गई। मुख्यालय स्तर से अधिसूचना जारी होने के बाद 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की जांच शुरू हो जाएगी। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। तीसरी शादी करने पहुंचे दूल्हे को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। मुसहरी थाना क्षेत्र के छपरा में गांव स्थित श्री राम जनकी मठ के मंदिर में रविवार के रात शादी करने के लिए पहुंचे जोड़े को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसी सूचना मिली कि बताया गया है कि युवक पूर्व में 2 बार शादी कर चुका है, पुनः एक महिला को लेकर मंदिर में तीसरी शादी करने पहुंचा। मौके पर उसकी पहली पत्नी और उसकी परिजन पहुंचकर उन्हें शादी से रोक दिया है। थाना गश्ती दल को मौके पर भेजा गया। उनके नाम पते का भी सत्यापन किया जा रहा है। खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में कोरोना का आखिरी मरीज भी हुआ स्वस्थ। संक्रमण का कोई नया मामला नहीं। न्यूजीलैंड ही एक दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है वर्तमान में। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा ऑर्डन ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि अंतिम मरीज के भी कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद देश ने संक्रमण के प्रसार को रोक दिया है। न्यूजीलैंड में संक्रमण का अंतिम मामला 17 दिन पहले आया था और फरवरी के अंतिम सप्ताह के बाद अब सोमवार ऐसा दिन बन गया जब देश में किसी भी संक्रमित व्यक्ति का उपचार नहीं चल रहा है। ऑर्डे ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि न्यूजीलैंड में पिछले 17 दिनों में 40,000 लोगों की जांच की और पिछले 12 दिनों में कोई अस्पताल भी नहीं है जिन्होंने उन्होंने वहां की मंत्रिमंडल में मध्य रात्रि से देश के खोलने के दूसरे चरण को लेकर सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि फिलहाल के लिए हमें न्यूजीलैंड में वायरस का संचारण का उन्मूलन कर दिया है
और यह उन्मूलन कोई एक बिंदु नहीं है बल्कि सतत प्रयास है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से दोबारा मामले सामने आएंगे लेकिन यह विफलता की निशानी नहीं होगी। यह इस वायरस की वास्तविकता है लेकिन हमें पूरी तैयारी रखनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि 50 लाख की आबादी वाले इस देश में संक्रमण खत्म होने के पीछे कई वजहें हैं। दक्षिण प्रशांत में स्थित होने की वजह से इस देश में यह देखने का मौका मिला कि दूसरे देशों में यह संक्रमण कैसे फैला और ऑर्डर ने तेजी से कदम उठाते हुए देश के संक्रमण की शुरुआत में ही बंद करने के नियम लागू किए और देश की सीमाओं को भी बंद कर दिया। न्यूजीलैंड में सिर्फ 1500 लोग संक्रमित हुए जिनमें से 22 लोगों की मौत हुई। बिहार में कल से दाखिल खारिज का काम हो जाएगा शुरू। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी हुई शुरू। कल से पूरे प्रदेश में जमीन की दाखिल खारिज की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद से दाखिल खारिज के लिए आवेदन लेने का काम भी शुरू हो जाएगा। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। साथ ही सभी प्रखंड कार्यालयों के काउंटर से भी लोगों को आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। 2.5 महीने से बंद थी दाखिल खारिज की सुविधा। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से 2.5 महीने तक दाखिल खारिज आवेदन की सुविधा बंद थी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद भी मुख्य सचिव स्तर पर बनी कमेटी की ओर से और RTPS काउंटर को बंद करने का निर्देश जारी किए गए थे। दाखिल खारिज आवेदन की सुविधा 2.5 महीने से बंद रहने की वजह से तकरीबन 40,000 से अधिक मामले लंबित रह गए। पुराने दाखिल खारिज के मामले जो निपटाए नहीं गए हैं उसके पीछे वजह दिया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जमीन पर जाकर मामलों का जांच संभव नहीं हुआ। यही वजह रही कि मामलों की संख्या लगातार बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनने की वजह से भी प्रखंड स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों का काम बढ़ गया था। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में ऐसे जुड़वाए नाम अपना नाम दो जगह नाम जुड़वाने वाले को होगा जेल। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग तक की निगाहें प्रवासियों पर टिक गई। कोई मतदाता न छूटे अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यदि आप पहले ही दूसरे राज्य के मतदाता हैं और आप बिहार में अपना शामिल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरे राज्य की मतदाता सूची से आपको अपना नाम हटाना होगा। एक जगह से बिना नाम हटाएं दूसरे जगह नाम जुड़वाने पर 1 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना का प्रावधान। दूसरे राज्य से आए प्रवासी मजदूर यदि बिहार के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते तो उन्हें पहले फॉर्म को साथ भरकर पुरानी जगह से अपना नाम कटवाना होगा। फॉर्म साथ ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नाम हटने का प्रमाण पत्र होगा। उसी आधार पर नए क्षेत्र में वोटर बना जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर वोटर के साथ सूची में नाम जोड़ने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना है। यहां आपको वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए चुनाव क्षेत्र बदलने जैसे विकल्प चुनने की जरूरत है। अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो आप सीधे जो आपको स्क्रीन पर लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सीधे ऑनलाइन के द्वारा अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। खबर मुसरीघरारी से। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बीएलौथ में पगडंडी निर्माण को लेकर दो गुटों में तनाव। मुसरीघरारी थाना पत्थर उखाड़ने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार डंगरुआ गांव के दो परिजनों में 10 एवं 17 जून को शादी होने वाली है। इसके लिए उक्त लोगों ने गांव स्थित पगडंडी में करीब 100 फुट की दूरी पर ईंट पत्थर रखकर चलने लायक बनाया था। बाकी करीब 400 मीटर पगडंडी पूर्व से दुरुस्त है। इस पगडंडी पर वर्षों से लात बसेपुरा गंगापुर मोरवा आदि गाँव के लोगों का मुसरी घरारी तक आवागमन होता है। गांव के करीब 100 परिवारों के आवागमन को सहारा भी यही पगडंडी है। बताया जाता है कि शादी के लिए पगडंडी ठीक करने के लिए रखे ईंट पत्थर को दूसरे पक्ष के लोगों ने हटाना शुरू कर दिया जिसके बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया। भूख से बेचैन थे कोरोना पॉजिटिव दरोगा जी आइसोलेशन वार्ड में भोजन की नहीं थी व्यवस्था।
शहर के एक होटल में कोरोना संक्रमित के लिए बने आइसोलेशन वार्ड की सच्चाई जानते हैं। समस्तीपुर की यह घटना है। कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेट किए जाने के नाम पर सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। पॉजिटिव मरीज भगवान भरोसे से ठीक हो रहे हैं। इन आइसोलेशन सेंटरों से ठीक होकर घर लौट रहे लोगों की माने तो आइसोलेशन सेंटर में कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों का न तो इलाज हो रहा है, न साफ सफाई और न ही नाश्ता भोजन की व्यवस्था है। शहर के डबल ट्री होटल में बने आइसोलेशन सेंटर पर रविवार को कुव्यवस्था का कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जहां जिला पुलिस बल के एक दरोगा जी कोरोना पॉजिटिव भूख से छटपटा रहे थे, लेकिन वहां नाश्ता भोजन का कोई प्रबंध नहीं था। सूत्रों के अनुसार भूख से बिलबिला रहे दरोगा जी को भोजन के प्रबंध के लिए नगर थाना पुलिस से मदद मांगनी पड़ी। बाद में नगर थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद के पहल पर स्वास्थ्य प्रशासन ने दिन के करीब 11 बजे उक्त कोरोना संक्रमित पुलिस पदाधिकारी के लिए नाश्ता एवं दोपहर करीब 1:30 बजे के बाद भोजन का प्रबंध कराया। जिले के आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इलाज एवं आइसोलेशन की क्या व्यवस्था है, इसका इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां बता दें कि शनिवार को उक्त पुलिस पदाधिकारी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, इसके बाद उन्हें आइसोलेशन सेंटर लाया गया था। नगर थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि आइसोलेशन सेंटर में उक्त पुलिस पदाधिकारी को 10 बजे तक नाश्ता नहीं मिलने की सूचना मिली थी। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई। उसके बाद स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा आइसोलेशन सेंटर में भर्ती मरीज के लिए नाश्ता का प्रबंध किया गया। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार का अगर कोई भी घटना अगर आपके क्षेत्र में हो तो हमारे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में। मैं आशीष आर्यन अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ। पटोरी प्रखंड के चकलल साहिब पंचायत के वार्ड नंबर 14 के वार्ड सदस्य विजय चौधरी जी के द्वारा मास्क और साबुन का अपने वार्ड में वितरण किया गया, जो कि इस कोरोना महामारी में सरकार के आदेश के अनुसार मुखिया पंच वित्तीय फंड के अनुसार हर वार्ड मेंबर को अपने अपने वार्ड में जो वितरण करना था, उन्होंने विजय चौधरी और साथ में गौरव सिंह के द्वारा यह वितरण का काम अपने वार्ड नंबर 14 में चकलल साहिब पंचायत के वार्ड नंबर 14 में विजय चौधरी जी उनका साथ देते हुए गौरव सिंह पूरे वार्ड में साबुन, चार चार मास्क और एक साबुन का वितरण करते हुए, जिनका मैंने वीडियो आप लोग के बीच में साझा किया है, इसी प्रकार पूरे पंचायत में वितरण करना है। यह वीडियो जन जन तक पहुंचाएं और अपने लोगों को यह बताएं कि इन्होंने जिस प्रकार यह एक अच्छा काम किया है, उसी प्रकार हर पंचायत के हर वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में इस तरह मास्क और साबुन का वितरण करें, ताकि लोग इस कोरोना महामारी में अपने आप को कम से कम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सुरक्षित रख पाएं। इस अपील के साथ मैं आज का न्यूज़ अभी यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।